नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की अहम बैठक है। बैठक में 20 सीटों को लेकर मंथन, बैठक में चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। शाम तक आ सकती है सपा की नई लिस्ट। पदाधिकारियों को भाषाई नियंत्रण मंत्र और नेताओं को चुनावी बारीकियों का मंत्र दिया जा रहा है। तो शाम तक एक नई सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से आ सकती है। इससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में 20 सीटों को लेकर मंथन होगा। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी ताकि जनता तक मैसेज पहुंचाया जा सके, इस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि आने वाले वक्त में प्रचार को धार देना है, तेजी के साथ प्रचार में पार्टी के नेता उतरेंगे। इसी को लेकर पदाधिकारियों को भाषाई नियंत्रण मंत्र भी दिया जाएगा, नेताओं को चुनावी बारीकियों का मंत्र भी सिखाया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, क्या अपडेट्स आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, बैठक में आज अगर बात करें तो आने वाले चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ता जमीन पर उतरे, किस तरह से कमर कसकर एकदम पूरी तरह से सामने वाले जो विरोधी दल है उनको शिकस्त देने के लिए तैयार हो, इन सारी विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा पर अगर गौर करें तो वो महत्वपूर्ण चर्चा है 12 लोकसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सूत्र ये बताते हैं कि आज शाम तक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि अभी इस पर मुहर पूरी तरह से नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जारी है और इस बैठक में प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। और इस बैठक में जो चर्चा हो रही है वो सीटों को लेकर हो रही है। आने वाले चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको किस तरह से और भी चार्ज करना है और जमीन पर किस तरह से उतर कर काम करना है, ये सारे विषयों की चर्चा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश पांडे इस जानकारी के लिए।